सुश्री साहू आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी एसके इंडस्ट्री में। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, और ये जो बिजनेस है आप इसे काफ़ी आसान तरीके से घर बैठे ही कर सकते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और लोगों को भी जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें भी रोजगार दे के उनका भी प्रॉफिट करा सकते हैं। तो दोस्तों एसके इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मशीनें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तथा यहां पर काफ़ी सारी 100 से 150 तरह की मशीनें हैं जिन्हें आप ले सकते हैं और घर बैठे ही अपना एक छोटे रूप में अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मशीन के बारे में बताती हूँ जिसके जरिए आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आपको जिस मशीन के बारे में बताना चाहती थी वो है मैनुअल ब्रिक्स मशीन। इस मशीन में आप जो सीमेंट की ईंटें होती हैं वो आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों आजकल है ना जो मिट्टी की ईंटें होती हैं वो इतनी अच्छे से नहीं चल पाती है, वो काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है, इसलिए सरकार ने भी उन ईंटों को बैन कर दिया है और आजकल लोग सीमेंट की ईंटें बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम आज आपके लिए एक ऐसी मशीन लाए हैं जिसमें आप सीमेंट की ब्रिक्स बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप इस मशीन को देख रहे हैं, इस मशीन में आपके जो सीमेंट की ईंटें होती हैं वो एक साथ आपके 4 ब्रिक्स बनकर निकलेंगी। जी हाँ दोस्तों, एक साथ आपके 4 ब्रिक्स बनकर निकलेंगी। ये जो मशीन है ये मैनुअल है, मतलब इसमें जो काम कर जो ईंटें बनती है वो मैनुअल प्रेशर पर डिपेंड करती है कि इंसान जितना प्रेशर लगाएगा ईंटों की फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। इस मशीन के साथ आपको एक टेबल बॉक्स भी दिया जाता है। टेबल बॉक्स में आपको जो सीमेंट का मसाला होता है वो भरना होता है, और फिर उस मसाले को आपको इसमें 4 डाइस दी गई है, 9x4x3 की जो नॉर्मल साइज होती है ईंटों की, उन डाइस में आपको उस मसाले को भरना होता है। और इस लीवर की सहायता से ये वाली जो डाई है उसे आप ऊपर से नीचे की साइड नीचे लाते हैं और फिर प्रेस करना होता है, तो फिर उसके बाद जो ईंटें बनकर निकलती है वो काफ़ी ही अच्छी बनकर निकलती है, उनकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो मशीन है इसका एक खास बात ये है कि इसमें आपको जो नॉर्मल साइज की ईंटें होती हैं उसके अलावा आप ब्लॉक भी बना सकते हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसे ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर रहना इसे ऑपरेट करने के लिए किसी पढ़े लिखे की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एक अनपढ़ आदमी भी इसे बड़ी ही आसानी से दोस्तों जो मशीन को मतलब जो ईंटें बनती है उसे बनाने के लिए जो लागत आती है वो आपके कम से कम 2 से 2.5 रुपये की होती है, लेकिन जब वो तैयार ही आप ब्रिक्स मार्केट में जब आप बेचते हैं तो वो आपके 5 से 7 रुपये एक आपकी बिकती है। तो दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं। इस मशीन में अगर आप जो ईंटें बनाते हैं ईंटों के मसाले की अगर हम बात करें तो जो मसाले होते हैं उसके लिए आपका जो रेशो रहता है उसमें आपके 1 कट्टा सीमेंट, 4 कट्टा रेत और 4 कट्टा जो गिलोय की मिट्टी डस्ट आती है उसे आपको मिलाना होता है। फिर इस मशीन के साथ जो आपको टेबल बॉक्स दी जाती है उस टेबल बॉक्स से आपको मसाले को इन 4 डाइस में लेना होता है, और फिर इससे जो ईंटें बनकर निकलती हैं उन्हें आप धूप में सुखा करके और ईंटों को आप आराम से तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें पढ़े लिखे होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी ही आसानी से इस मशीन से ब्रिक्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इस मशीन की अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हम आपका कॉल अटेंड करेंगे और इस मशीन के लिए आपको अधिक से अधिक जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। आप इसमें नॉर्मल साइज की जो ईंटें होती है 9x4x3 की जो ईंटें होती है उसके अलावा आप इसमें इंटरलॉक जिगजैग और ब्लॉक टाइप की भी ईंटें बना सकते हैं। Thank you.
तैयार कर सकते हैं और ब्रिक्स के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें सीमेंट की ईंटें तैयार करने के लिए जो मसाला बनाया जाता है उसके लिए आपको इसमें एक कट्टा सीमेंट, चार कट्टा रेत और चार कट्टा जो 0 mm की गिट्टी होती है वो डालनी होती है। फिर इसमें जो आपने सामग्री डाली है, जो सीमेंट, रेत और 0 mm की गिट्टी दस जो डाली है, वो अपने आप इसमें इस मशीन को ऑन करने के बाद वो इसमें मिक्स हो जाती है और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई ज़्यादा लोगों की मदद नहीं होती है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक लेबर ही आपका काफ़ी होता है, तो इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। क्या हुआ?